ये बजट होता क्या है? इतने बड़े बड़े नंबर्स हमें समझ में नहीं आते, इतनी सारी चीजों का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। हाय, आई एम अभी एंड आई एम नीयू, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन नंबर्स के पीछे का सच क्या है, और एक आम आदमी जिसे फाइनेंस ज्यादा समझता नहीं उसे इस बजट से क्या फर्क पड़ता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम इस साल के बजट के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, और स्पेशली उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिनसे आपकी लाइफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन ये बजट होता क्या है? न्यू मुझे समझाओ, और एक ऐसे भाषा में समझाओ कि एक 12 साल के बच्चे को भी समझे। बजट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और इनकम का एक लिस्ट है। गवर्नमेंट के सारे मिनिस्ट्रीज सितंबर में उन्हें कितने पैसे किस काम के लिए चाहिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री सितंबर से लेकर जनवरी तक इन सारे डिमांड्स पर काम करती है, और 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट लोकसभा में प्रेजेंट करती है। ओके, तो किन चीजों पर खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, और खर्चा करने के लिए ये पैसे आएंगे कहां से, ये हमारा बजट। एग्जैक्टली। टैक्स बढ़ा या कम हुआ? पैंडेमिक की वजह से बहुत लोग सोच रहे थे कि मिडिल क्लास को खुश करने के लिए टैक्स कम होगा, स्लैब्स में कुछ बदलाव होंगे, ATC की लिमिट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत में फ्यूल प्राइसेस एक ऑल टाइम हाई पर हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से ये हाल है। लोग इन टैक्सेस में भी कुछ रिडक्शन मांग रहे थे जो नहीं हुआ, एंड दैट्स अ लेट डाउन। लेकिन उसी के साथ साथ किसी भी सेस या सरचार्ज के रूप में इनकम टैक्स बढ़ा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप 75 साल के ऊपर हैं और सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से ही पैसे कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोबाइल, LED बल्ब्स, AC और फ्रिज के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि इनके कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं और उन पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास के लिए कोई गुड न्यूज है ही नहीं। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा पैसा सेफ है और हमें जरूरत पड़ने पर कभी भी हम वो पैसे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्क तो होती है। जैसे हमने PMC बैंक और येस बैंक के केस में देखा था, जहां डिपॉजिटर्स के पैसे बैंक में ही अटक गए थे। 2 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस था, यानी अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए भी हैं और अगर बैंक डूब जाती है तो RBI सिर्फ 1 लाख रुपए आपको देने की गारंटी देती है। लास्ट ईयर ये लिमिट 5 लाख कर दिया गया, लेकिन फिर भी जब तक बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आपके ये 5 लाख रुपए भी फ्रीज कर दिए जाते हैं, और ये प्रोसेस काफी लंबी चल सकती है। अब अगर बैंक बस्ट होती है और आपके अकाउंट्स फ्रीज होते हैं तभी भी तुरंत आप उन 5 लाख रुपए को एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये काफी बड़ा अश्योरेंस है और ये बड़े बड़े बजट एनालिसिस से मिस हो जाता है। एक साइड में एक कम्प्लीटली ट्रेडिशनल सोर्स को अश्योरेंस मिला और दूसरे साइड एक नए इन्वेस्टमेंट सोर्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। क्रिप्टो करेंसी और उसकी लीगैलिटी डिस्कस करना एजेंडा में तो था, लेकिन ये डिस्कशन हुआ नहीं। मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाकर गवर्नमेंट एक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स बना सकती थी। आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी बिकॉज लुक एट दिस, 7 मिलियन भारतीय यूजर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और एस्टिमेट है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। आज रूल्स क्लियर ना होने की वजह से कई लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते, तो नुकसान सरकार का ही होता है। क्रिप्टो करेंसी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज हो सकता है, जैसे कि गोल्ड, और एज अ लीगल टेंडर, जैसे इंडियन रुपी की तरह उनसे एक्सचेंज करने पर और पेमेंट्स करने पर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। वैसे ही कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिस हुई। जो पैसा स्कूल एजुकेशन के लिए एलोकेट होता है वो इस साल 8% कम हुआ है। हायर एजुकेशन के लिए होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर 99% कम हो गया। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और उसके लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं है, कई स्टेप्स लेने बाकी हैं। इस साल ओलंपिक्स होने वाले हैं और हमारा स्पोर्ट्स बजट 230 करोड़ से कम कर दिया गया। मनरेगा का एलोकेशन 35% कम कर दिया गया। मनरेगा के अंदर रूरल एरियाज में 100 दिनों का काम गवर्नमेंट गारंटीड देता है। इस साल एक्सपेक्टेड था कि ये 100 दिन की गारंटी 150 दिन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेल्थ केयर बजट 137% बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली हेल्थ मिनिस्ट्री को एलोकेट किए हुए पैसे इस साल सिर्फ 7% ही बढ़े हैं। ये 137% का नंबर इसी वजह से है क्योंकि ये नंबर्स कोट करते समय वाटर और सैनिटेशन के 60,000 करोड़ भी उसमें ऐड हुए हैं। हेल्थ केयर हमारे देश में अभी भी ब्रोकन है, सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। भारत के सपने बड़े, भारत को अगर $5 trillion की इकोनॉमी बनना है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। इस साल के बजट का वन ऑफ द मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होने वाला है और इसके लिए 5.54 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल के बजट में प्रपोज किया है, तो इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिला। बट नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके रिटर्न्स आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलते रहते हैं। हम इस स्टूडियो के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, लेकिन ये बिल हम हर महीने के लिए भरते हैं। जो बिल हम इस महीने पे करेंगे उसका बेनिफिट सिर्फ हमें इस महीने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जिस कैमरा पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसे हम एक नहीं 100 वीडियो शूट करेंगे, तो इसलिए उसका बेनिफिट हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, इसलिए ये हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेट्रो सिर्फ टियर 1 शहरों में नहीं, टियर 2 सिटीज में भी पहुंचने वाली।
चेन्नई बेंगलुरु कोची जैसे मेट्रोस के साथ साथ नासिक और नागपुर मेट्रो को भी बूस्ट मिला। प्लस सरकार ने टारगेट रखा है कि 2023 तक भारत में चलने वाली सारी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। रेलवेज गॉट 53% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोड्स मिनिस्ट्री गॉट 32% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोड्स की वजह से कनेक्टिविटी के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, नई सिटीज बनती है, जॉब क्रिएशन होता है। प्लस सब्जी से लेकर टेलीविजन तक हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो अल्टीमेटली रोड से ही दुकान तक आती है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में कंज्यूमर्स को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने से हमारे लेबर फोर्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी आज भारत को जरूरत। टैक्स तो बड़ा है नहीं तो गवर्नमेंट पैसे कहां से लाएगी। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट अपनी एसेट्स बेचकर भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती और इस बजट में वो यही कर रही है। इसे फैंसी लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आने वाले साल में छोटी बड़ी नहीं, सरकार टोटल 1.75 ट्रिलियन यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेस करना चाहती है। गवर्नमेंट के कुछ कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग होती हैं और कुछ कंपनीज लॉस मेकिंग। फॉर एग्जांपल LIC भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और गवर्नमेंट इस साल LIC का IPO लाना चाहती है। पूरी कंपनी नहीं, कंपनी का एक पार्ट पब्लिक को बेचना चाहती है ताकि फंड्स जनरेट हो सके जो दूसरे कामों में यूज हो। ऑन द अदर हैंड एयर इंडिया 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज हुई और उसके बाद एक भी साल प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। ऐसे लॉस मेकिंग कंपनीज बेचकर गवर्नमेंट अपने लॉस का बर्डन कम कर सकती है। रेलवे के पास स्टेशन लैंड है जो आइडल पड़ा हुआ है, उसे वेस्ट क्यों करें जबकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। स्टेशन के बाहर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ देश को बेचना नहीं होता, देश के एसेट्स को यूटिलाइज करके एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करना होता है। लेकिन किसी महान इंसान ने कहा है, आइडियाज आर वर्थ नथिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। इन एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट से जनता को फायदा होगा या कॉर्पोरेट्स को, ये तो वक्त ही बताए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, बजट समझने में हेल्प हुई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स तो हैं, लेकिन उनका हम पर क्या इम्पैक्ट होता है ये सबको जानना जरूरी। इन शॉर्ट द बजट वॉज अ मिक्स्ड बैग। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, GDP को वापस ट्रैक पर लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। जम्मू एंड कश्मीर में गैस पाइपलाइन पहुंचेगी, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाली है, 1 करोड़ और लोगों को उज्ज्वला स्कीम से कवर करने का प्लान है। एनवायरमेंट के लिए सोलर एनर्जी बूस्ट करने के लिए, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए, क्लीन एयर और वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस लिए गए। पॉइंट यह है कि हमारे देश की सबसे बड़ी एसेट होता है एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो अपने आसपास क्या चल रहा है ये जानता है और फिर सही क्या और गलत क्या है इस पर डिस्कशन कर सकता है। और सबसे बड़ी लायबिलिटी है एक अनइन्फॉर्म्ड सिटीजन जो समझता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। और आपको उस पहली वाली कैटेगरी में रखने से मुझे फर्क पड़ता है।